नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे ब्राइट कॉम ग्रुप की। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं 5 जून का लेटर है और बीएससी और एनएससी दोनों को लिखा है। अगर आप सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एक ऑनलाइन फाइनेंशियल वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने जो भी सारी इररेगुलरिटीज़ हुई हैं इनके अकाउंट्स में, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में, रिपोर्टिंग में, कॉरपोरेट गवर्नेंस में और अदर एरियाज़ में, जिसका कि सेबी ने इशू का नोटिस जारी किया हुआ है इनको, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो जानते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना के आप सभी को पूरा सचेत कर रखा है। तो उसी पर इन्होंने सवाल उठाए थे और उसका जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। जैसे आपने हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ था ना, हिंडनबर्ग देखा था तो अडानी साहब कैसे बौखला गए थे। अगर वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, अगर उस तरीके से जवाब दिया होता इन्होंने, तो कुछ भी ना होता अडानी के केस में, हिंडनबर्ग के मामले में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, इनडायरेक्टली सेबी को भी जवाब दिया फिलहाल तो, और सारी चीज़ों को एकदम मुझे पढ़ने के बाद इनके जवाब को, सारी चीज़ें एक मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी सच्चाई है और कुछ जो पॉइंट्स ये बता रहे हैं मुझे वो लगा कि थोड़े से जेन्युइन हो सकते हैं। बाकी सेबी तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, जो निकल के आएंगे वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धैर्य के साथ वीडियो पूरा देखिएगा, कोई आपको भी ये सारी चीज़ें बताने वाला नहीं है। मुझे पता है मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट वाइज, और लास्ट में हम लोग वॉल्यूम और चार्ट भी देखेंगे कि क्या अपर सर्किट लगने की फिर से संभावना है, कब तक संभावना है, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा अगर आपके पास एक भी शेयर है, समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। SHARE कैपिटल में लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, क्योंकि टिप के चक्कर में चाहे अक्षिता हो, गोयल हो, सहरा हो, ब्राइट कॉम हो, ये सब मतलब टिप के चक्करों में ही ये सब हाल होता है, क्योंकि इन सब में ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं और ऑपरेटर्स ही यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज डालते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और जो पब्लिक है, जो रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं शेयर्स की तरफ और फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर्स अपनी गेम कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके से सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह डालता हूँ, अननेसेसरी कोई स्टफ यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ, तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस, इन्होंने पॉइंट वाइज जवाब दिया है, हम बहुत शॉर्ट में सबको समझेंगे, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो ये बता रहे हैं भैया कि हमारा जो कमिटमेंट है बिल्कुल वो प्रॉपर है, और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो सेबी का शो कॉज नोटिस जो जारी किया सेबी ने, उसका रेफरेंस देते हुए बोला है कि इसी के चलते यहाँ पर इन्होंने इतने सारे सवाल उठाए हैं, है ना, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, तो यहाँ पर इन्होंने उसका रेफरेंस दिया और वो सारी चीज़ें बताई हैं। तीसरी चीज़ क्या है, जो इनके इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर्स हैं उन पर सवाल उठ रहा था कि प्रॉपर तरीके से भाई इन सेबी ने क्या शो कॉज नोटिस जारी किया था कि इनका भैया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपर नहीं है, कॉरपोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ही तो निकाला था। और दूसरी चीज़ क्या, इन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स वगैरह उनको काफ़ी इन्फ्लेट कर रखा है। आप अगर इसके फंडामेंटल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इस तरीके से प्रॉफिट वगैरह नहीं होते जिस तरीके से इनके हैं। तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह मेंटेन कर रही हैं, कर रखी हैं अकाउंट्स की, वो प्रॉपर तरीके से सही फॉर्म में नहीं है, जिस वजह से सारी चीज़ें इन्फ्लेटेड हैं और यहाँ पर रिटेलर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। सेबी के ये शो कॉज नोटिस में है, मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है, इसमें बोले हैं कि भैया जो आपके ऑडिटर्स वगैरह हैं वो सही नहीं है, इस तरीके के सवाल ऑनलाइन वेबसाइट ने उठाए थे। तो यहाँ पर क्या भैया इन्होंने बोला है कि और ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट और एक्रेडिटेड फॉर्म, मतलब अच्छी फॉर्म्स हैं और वो सारा कुछ उन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑडिट कर रखे हैं। हम लोग पॉइंट वाइज थोड़े से इशूज़ देख लेते हैं कि क्या मामला है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से इन्होंने प्रॉपरली जवाब दिया है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला इशू अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल स्टॉक सब्सिडरीज सीम्स टू बी लॉक्ड एंड इनएक्सेसिबल। तो भैया जो ऑनलाइन साइट है उसने बोला है कि जो सब्सिडरीज की जो फाइनेंशियल्स वगैरह हैं वो लॉक्ड है और अनएक्सेसिबल हैं। तो इन्होंने कहा है कि भैया हमने अपने जितने भी फाइनेंशियल्स वगैरह हैं उसको अपनी साइट पर अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो सारा कुछ एक्सेसिबल है। दूसरा इशू क्या उठाया है, इन्होंने बोला है कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 16 सब्सिडरीज में से 14 जो सब्सिडरीज हैं वर नॉट ऑडिटेड, वो ऑडिटेड नहीं है, ऑडिट नहीं की गई हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर्स स्टेटमेंट, मतलब जो ऑडिटर के स्टेटमेंट के हिसाब से 16 में से 14 सब्सिडरीज जो हैं इनकी, उनको ऑडिट नहीं किया गया, वर नॉट ऑडिटेड। तो अभी उसके अवध में इन्होंने जवाब दिया भैया कि गिविंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर ऑपरेशन, बिल्कुल देखिए इनके कई कंट्रीज में काम काज हैं और सब देखिए, जहाँ पर जिस कंट्री में आप होते हैं तो वहाँ पर उसके नियम कानून, उसकी सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, वहाँ से फिर चीज़ें इंडिया में आती हैं, फिर इंडिया के नियम कानूनों के हिसाब से सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई हैं इसमें कि भैया इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं
उनको मिलाने में, सब कुछ सेट करने में सारा चीज़ें यहाँ पर डिले हो जाता है। तो वही इन्होंने बताया, और बाकी इन्होंने बताया कि भैया हम सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमने फ़िलहाल प्रोवाइड करी हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने समझाया भैया, देखिए यहाँ पर लिखा ना फॉर इंस्टेंस कि भैया जो इनकी सब्सिडियरी है एक ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशंस ओएमएस इन इज़राइल, तो वहाँ से इनका 40% का बिजनेस आता लगभग। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हैव बीन ऑडिटेड बाय रेप्यूटेड ऑडिट फर्म लाइक ईवाई, अब होगी कोई भी है, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सिडियरीज आर नाउ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ बताई कि भैया वेबसाइट पर हमारी अवेलेबल है, आप जाके देखिए तो एक बारी, है ना। तो यहाँ पर और तीसरा जो इशू है यहाँ पर इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में -177 करोड़ का, और दूसरा जो एसेट इंपेयरमेंट है इसके बारे में उठाया था, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये 868 करोड़ रुपए का जो लॉस का मुद्दा था वो उठाया था यहाँ पर सेबी के शो का नोटिस में, और यहीं पर साइट ने भी उठाया। तो जब इससे पहले के पहले वाला जब ये इशू आया था, सेबी ने जो शो का नोटिस जारी किया था, मैंने उस पर पूरी चर्चा की थी, वहाँ पर मैंने आपको बड़े अच्छे से इसको समझाया है कि व्हाट इज़ इंपेयरमेंट चार्जेस, ठीक है, बैलेंस शीट में इंपेयरमेंट चार्जेस क्या होते हैं, कैसे ये इंपैक्ट करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको इन्होंने गलत तरीके से दिखाया, वही यहाँ पर सेबी ने चर्चा मतलब इसको मुद्दा बनाया है। तो इंपेयरमेंट चार्जेस आपको बेसिक से बता देता हूँ, जब किसी कोई एसेट्स में एकदम अचानक से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कोई मान लीजिए आपदा आ गई या किसी लीगल कोई इशू हो गया, उसकी वजह से जब एसेट्स की कीमत एकदम अचानक से गिर जाए तो उसी को बोलते हैं इंपेयरमेंट। तो यहाँ पर उसी के चलते कुछ गलत तरीके से बैलेंस शीट में इन्होंने दिखाया है, है ना, और उसके चलते यहाँ पर क्या कहते हैं 868 करोड़ रुपये का कुछ भी जो गबन है, घपला है, जो भी हुआ है, जिसको सेबी ने पॉइंट आउट किया है, जिसके चलते ये लोग अभी उसका जवाब दे रहा है। और वही इंपेयरमेंट चार्जेस का यहाँ पर भी मामला है, तो इन्होंने बोला कि भैया हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं लोकल लॉस के आगे तहत हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया है एज़ पर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये फिलहाल इनका कहना है ये। और चौथा इशू अगर आप देखेंगे तो वो भी उसी से रिलेटेड है, द नेचर ऑफ एसेट्स दैट लेड टू अ सच अ सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट चार्जेस। तो यहाँ पर भी इन्होंने फिलहाल एकदम प्रॉपर तरीके से यही इसी तरीके से जवाब दिया है थोड़ा सा, और सारी कुछ चीज़ें उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बिल्कुल समझा सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग थोड़ा बोर भी हो जाएंगे। मुझे पता है आपको सीधा मुद्दे के उस पर आना है, चार्ट पे और वॉल्यूम पे देखना है कि हाँ भैया क्या इसकी संभावना है, सर सीधा ये बताइए, ये समझ में नहीं जाना है। लेकिन आपने शेयर दे रखा है गाइस, तो आप उस कंपनी में क्या चल रहा है आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, समझना है। बहुत सारे लोगों के जिन्होंने लाखों लाख रुपए इसमें लगाए हुए हैं, मुझे पता है। और अब लोअर सर्किट लगते लगे अगर 10 रुपये आ गया ना, जैसे अक्षिता कॉटन में हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर क्या समस्याएँ होती हैं, किस तरीके से आदमी का मन बेचैन होता है। और यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठाया था, कंसर्न डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स टू एक्सिस बैंक एंड टैक्स ड्यूज डिस्पाइट बीइंग कैश रिच। तो भैया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक को जो इन्होंने लोन का डिफॉल्ट किया था, मतलब इतना पैसा कैश रिच होने के बावजूद भी यहाँ पर आप लोन का डिफॉल्ट कर रहे हैं, टैक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो भैया यहाँ पर इन्होंने भी इसका जवाब दिया कि भैया कुछ इशू हो गया था ओनर के साथ और कंपनी वगैरह उसके प्रॉपर्टी के साथ जो भी कुछ रहा हो, तो जिस चक्कर में इनको अचानक से वो सब करना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला, वी क्लोज दी लोन्स बाई मार्च 2021 एंड वी आर प्राउड टू शेयर डैट वी हैव वी हैव बीन अ डेट फ्री कंपनी सिंस देन। बिल्कुल, तो ये तब से डेट फ्री कंपनी है। आवर प्रायोरिटी हैज ऑलवेज बीन टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग मोमेंटम। दिस अप्रोच हैज अलाउड अ सी अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट रिजल्टिंग इन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 76% इन रेवेन्यूज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो कुल मिला के मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया अब डेट फ्री है हम और सारी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। और इन्होंने एक इनडायरेक्टली अभी फिलहाल सेबी को जवाब दिया है, और प्रॉपर तरीके से जब सारी चीज़ें होंगी, सेबी का क्या अभी केस चल रहा है, कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, अभी कोर्ट में जाएगा मुद्दा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, ये जवाब देंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर वो अपनी सारी चीज़ें करेंगे, तो ये अभी लंबा मामला चलने वाला है, ये इतनी आसानी से अभी हल होने वाला फिलहाल तो नहीं है। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम देखिए इसने तगड़ा वॉल्यूम जनरेट किया 12 करोड़ का, और कल भी अगर आप देखेंगे तो इसने कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो वहाँ पर भी 12 करोड़ का इसने वॉल्यूम जनरेट किया था, और 5 करोड़ शेयर लोग अपने घर लेके गए थे, 36% यहाँ पर डिलीवरी परसेंट था। 1 वीक एवरेज देखेंगे तो 5 करोड़ है, 1 मंथ का एवरेज देखेंगे तो 3 करोड़ है, तो अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो, यहाँ पर आपको जम देखने को मिला है। लेकिन गाइस आपको सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पर आज आपको दूसरा लोअर सर्किट देखने को मिला है। दूसरा क्या अपर सर्किट था, उसके बाद ये पहला लोअर सर्किट है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से गिरावट आ रही थी, मैंने लगभग यहाँ का वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था लगभग 8 से 10 रुपये के आसपास ये आके सपोर्ट लेना चाहिए इसको, और वहाँ से रिवर्सल देखने के चांसेस हैं, संभावना है, और चाहे जो भी कहिए वहाँ से फिलहाल इसने रिवर्सल दिया और लगातार अपर सर्किट यहाँ से फिर लोग पैनिक हुए, उनको लगा अभी फिर यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से फिर ऑपरेटर्स ऊपर लेके चलेगा इसको, तो अभी फिलहाल ऑपरेटर्स खेल कर रहे हैं।
90 रुपये 95 रुपये पे लोग लगे बैठे हैं, ऑपरेटर ने वहाँ अपना प्रॉफिट वॉफिट बुक करके छोड़ दिया, उसके बाद फिर नीचे आए और यहाँ से फिर एक्टिव हो रहे हैं। और आप अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वाह अभी तो यहाँ पर अपर सर्किट चल रहा है, यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। गाइस अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री बनाई होगी ना, यहाँ नहीं निकले होंगे, तो अभी लोअर सर्किट लगते लगते जब यहाँ पर आ जाएगा तो भी आप परेशान हो जाएंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि आप निकल ही नहीं पाएंगे लोअर सर्किट में। आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट अभी देख रहे होंगे, लेकिन जब लोअर सर्किट लगते लगते यहाँ पर आ जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखा तो आप अक्षिता कॉटन का वीडियो जाके देखिए, इससे पहले मैंने डाला, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर्स कैसे खेल करते हैं। या उस वीडियो के केवल कमेंट्स ही जाके पढ़ लेंगे आप मेरे पुराने वीडियोज़ के जाके, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं। तो भैया आप ट्रैप मत होइए, जहाँ पर ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर पता है सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया हुआ है, तो पहली बात तो आपको यहीं सचेत हो जाना चाहिए कि भैया कंपनी इस तरह की है जहाँ पर बवाल लूपहोल कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फिलहाल उतना ही पैसा लगाना जितना खो जाए डूब जाए, तो टेंशन ना हो। रिस्क लेने की अगर बहुत ज़्यादा वो है तो भैया सोच समझ के पैसा लगाइए, आपका पैसा अल्टीमेटली। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया था यहाँ पर एक मामला जो है, तो ये 16 रुपये का लेवल जो है थोड़ा सा क्रूशियल लेवल निकल गया था, ये वाला लेवल आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये गिरता हुआ मान के चलिए 16 रुपये पे यहाँ पर आके एक बार सपोर्ट ले सकता है, अगर ऑपरेटर्स अपना खेल करते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर मान के चलिए और नीचे आने की संभावना है, और फिर आपको 12 रुपये के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। चाहे 12 रुपये पे आए, चाहे 8 रुपये पे आए, चाहे 40 रुपये पे, 28 रुपये, 30 रुपये पे चला जाए, आपका मुद्दा सिर्फ यह है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करिए। आप ऑपरेटर्स को नहीं पकड़ पाएंगे, अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठा लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप जब स्क्रीन में बैठेंगे ना, मशीन में बैठेंगे, और जैसे ट्रेडिंग वगैरह चालू करेंगे या शेयर खरीदते बेचते हैं, फिर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाती हैं, फिर आप लोग इमोशनली हो जाते हैं, इमोशंस के साथ शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। इमोशंस को घर पे रख के आइए जब मार्केट में आइए, ठीक है। आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा तभी शेयर मार्केट में पैसा बना पाएंगे, नहीं तो फिर फंसते रहेंगे आप ऐसे ही ऑपरेटर्स के चक्कर में, पैसा बर्बाद करते रहेंगे अपना। हाँ, 2-4 ट्रिक तुक्का लग गया, यहाँ पर मान लीजिए पकड़ लिया, यहाँ पर आप निकल गए तो ठीक है, प्रॉफिट बना भी होगा 2-4 लोगों का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बार आप नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब बताता हूँ तो सारी चीज़ मैं कोशिश करता हूँ डीप में आपको सारी चीज़ें बताऊँ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करता हूँ, पता है सारे हर इंडिविजुअल्स को बताता हूँ। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। धन्यवाद।